यहाँ हमें ये फ्रैक्शन दिया गया है और इसकी हमें हद निकालनी है जब x सिफर की जानिब बढ़ रहा हो। और जब हम ये करते हैं, हम क्या करते हैं कि x इज इक्वल टू जीरो इस पूरी फ्रैक्शन में डाल के देखते हैं और फिर देखते हैं कि फंक्शन क्या कर रहा है। होता ये है भाई, साइन ऑफ जीरो क्या होता है? साइन ऑफ जीरो होता है जीरो, यानी ये बना जीरो, फिर आता है माइनस साइन टू एक्स। तो जब आप इसमें एक्स जीरो डालेंगे तो टू टाइम जीरो भी जीरो ही होगा, गोया ये भी सिफर हो गया, माइनस जीरो बटा, यहां अगर सिफर डालेंगे तो जाहिर है ये तो सिफर होगा ही। और साइन एक्स भी हमने देखा कि देखा क्या, हम जानते हैं कि साइन ऑफ जीरो भी जीरो होता है, यानी ये भी हो गया जीरो माइनस जीरो। ये तो भाई इनडिटर्मिनेट या गैर मुअय्यन हमारे पास फ्रैक्शन आ गया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे लोपिटल रूल। आज लोग इसको एल हॉस्पिटल रूल कहते हैं, खुदा के वास्ते एल हॉस्पिटल नहीं कहिएगा, ये कोई फ्रेंच कोई नाम है जिसकी वजह से ये लोपिटल कहलाता है। लोपिटल रूल क्या कहता है कि अगर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हमारे पास आती है तो हम बालाई फंक्शन और जेली फंक्शन को अलग अलग देखते हैं, और अगर ये दोनों अलग अलग डिफरेंशियबल हैं, यानी इनकी डिफरेंशिएशन अगर मुमकिन है, तो ये एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स की जो हद है, जो आप किसी भी कदर पे निकाल रहे हों, ये बराबर हो जाती है इनके अलग अलग डेरिवेटिव्स के तनासुब के, एक्स अप्रोचेस ए, और ये जितनी भी दफ़ा हो रहा हो और ये जितनी भी दफ़ा लग रहा हो आप लगा सकते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे शुरू करते हैं हम। लिमिट जब x सिफर की जानिब बढ़ रहा हो, तो अगर 2 साइन x की डिफ्रेंसीशन हमें चाहिए, ये ज़रा मैं मिटा देता हूँ ताकि थोड़ी सी कन्फ्यूजन ना हो और हम आसानी से इस फंक्शन को देख सकें। अच्छा जी, 2 साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 रहेगा 2, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, माइनस साइन 2x का डेरिवेटिव जब हम निकालेंगे तो इसके लिए हमें लगाना होगा चेन रूल। चेन रूल के तहत पहले अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं फिर बाहर वाले फंक्शन को, तो 2x का डेरिवेटिव आता है 2, ये बाहर आ जाएगा, जबकि साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो ये 2 कॉस 2x हो जाएगा। x का डेरिवेटिव 1 माइनस साइन x का डेरिवेटिव कॉस x, सही है। अच्छा, तो अब इसमें x इज इक्वल टू जीरो डाल के देखिए, x इज इक्वल टू जीरो जब हम डालते हैं तो कॉस ऑफ जीरो बराबर होता है 1 के, यानी ये हो जाएगा 2 जरब 1 2 माइनस कॉस ऑफ 2x, यानी जब जीरो यहां पे हम डालेंगे तो ये भी कॉस ऑफ जीरो बन जाएगा, कॉस ऑफ जीरो बराबर होता है 1 के, 2 जरब 1 2 हो गया बटा 1, तो जूं का तू रहेगा, और कॉस ऑफ जीरो हमने अभी देखा कि 1 के बराबर होता है। लो भाई, ये भी इनडिटर्मिनेट आ गया, गैर मुअय्यन गैर मुशख्खस। तो अब क्या करेंगे, तो अब क्या हम कह सकते हैं कि हद का वजूद नहीं है? नहीं, लोपिटल रूल ये कहता है कि अगर ये दोनों अभी भी डिफरेंशियबल हैं, इनको डिफरेंशिएट किया जा सकता है, तो लोपिटल रूल बार बार लगता रहेगा। इसको ज़रा मैं मिटा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, और अब दूसरा डेरिवेटिव हम इसका निकालते हैं, x अप्रोचेस जीरो। अच्छा जी, अब 2 cos x का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 वैसे ही रहेगा, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस 2 sin x, माइनस 2 वैसे ही रहेगा, cos 2x का डेरिवेटिव चेन रूल से जब हम निकालेंगे तो ये आएगा माइनस साइन 2x, माजरत माइनस 2 sin 2x हो गई, माइनस 2 sin 2x बटा 1 प्लस sin x, सही है। करीब कर देते हैं ताकि एक ही लाइन में काम हो रहा हो हमारा। चलें जी, अब x इज इक्वल टू जीरो डाल के देखिए, जब x इज इक्वल टू जीरो डालते हैं, साइन ऑफ जीरो क्या होता है? जीरो होता है, गोया ये हो गया जीरो, फिर ये देखिए कि साइन ऑफ टू टाइम जीरो क्या मतलब, ये भी जीरो हो जाएगा, साइन ऑफ जीरो होता है जीरो, यानी ये भी हो गया जीरो माइनस जीरो बटा एक गलती हुई है, एक का डेरिवेटिव तो जीरो होता है भाई, गलती हो रही है, बता भी नहीं रहे हो यार, कैसा जमाना आ गया है, कोई किसी का नहीं। बारह, साइन ऑफ जीरो होता है जीरो, यानी ये भी इनडिटर्मिनेट हो गया। तो क्या अब हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन की कोई हद नहीं? नहीं, क्योंकि ये अभी भी डिफरेंशियबल है। अच्छा, इसको ज़रा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये जो माइनस 2 इंटू 2 था ये हो जाएगा माइनस 4, सॉरी प्लस 4 साइन 2x,
ठीक है, तो अब जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, माइनस टू यूं ही रहेगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, प्लस कॉस एक्स, तो ये कॉस एक्स हो गया, जमा ये भी तो हटेगा, जमा फोर टाइम्स साइन ऑफ टू एक्स, चेन रूल दोबारा लगाएंगे तो ये हो जाएगा टू कॉस टू एक्स, चार दूनी आठ होता है तो इसको पहले ही लिख लेते हैं यहाँ पे, आठ ये हटा, ये करीब आ गए, अच्छा जी। फिर आता है आपका साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो ये हो गया कॉस एक्स इज इक्वल टू, अब अगर हम सिफर डालें तो कॉस ऑफ जीरो क्या होता है, एक के बराबर होता है, यानी ये हो गया मनफी दो, टू टाइम जीरो जीरो होगा, कॉस ऑफ जीरो एक के बराबर होता है, यानी ये हो गया जमा आठ बटा कॉस ऑफ जीरो होता है बराबर एक के, तो आठ में से दो जब हम निकालते हैं तो छः आता है हमारा जवाब। हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि यहाँ तो भाई तीन हमने स्टेप ले लिए तो ये फंक्शन बदल नहीं गया, नहीं, लोपिटल रूल आपको ये कहता है कि भाई ये जो हद है ये चूंकि इस फंक्शन की है जो कि डिफ्रेंसिएशन के बाद मिला था, तो इसकी हद हुई छः, और ये जो फंक्शन है ये कहाँ से आए, ये इसकी हद बनी थी, और इसी तरह ये वाला फंक्शन जो है ये इसकी हद था, गोया ये जो तीन स्टेप्स हैं इन तीन स्टेप्स के तहत लोपिटल रूल हमें ये कहता है कि इस फंक्शन की भी जो हद बनी वो छः ही होगी।